हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में मोमिक सिंह व्लॉग। आज हम आपके लाए हैं एक व्रत वाली डिश जो मेरी मम्मी बनाएगी। आज मम्मी का व्रत है, तो जैसा आपको पता है कि नवरात्र शुरू हो गए, तो नवरात्रों के लिए मम्मी व्रत वाली डिश बनाएगी जिसका नाम है आलू का भरता। और आप इसको व्रत में खा सकते हैं, इससे आपका कोई पाप नहीं लगेगा, आपको व्रत नहीं टूटेगा। तो बाकी की जानकारी मम्मी देगी। हेलो फ्रेंड्स, नवरात्र बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। मैं आपको खाऊंगी आलू का भरता। और गौरव की शिकायत रहती है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, इसलिए मैं तेज बोल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आलू का। चलो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू उबाल के छीले और अब हम इसको थोड़ा हमारे प्लेट में चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। डालेंगे एक चम्मच तेल, नाप तोल के चम्मच तेल हमेशा की तरह। जीरा गरम हो जाए तो हमारा थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और प्याज कटा हुआ। और हमारा टमाटर भी निकल जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक जो हम बर्फ में खाते हैं, स्वाद अनुसार। थोड़ा सा धनिया पाउडर स्वाद अनुसार, मिर्ची और हल्दी। थोड़ा सा पकाने के लिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। शाम को जब भी हल्की फुल्की भूखोगे तो आप ये नाश्ता खा सकते हैं।
ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा डाल, गैस कर देंगे स्लो। जा